और अली अकबर, जिनकी विलादत की मुनासिबत से आज की तक हुई, ये इस हवाले से करबला की तैयारी कि जैसे एक बार किसी ने मोहम्मद हनफिया से पूछा था कि तुम्हारा बाबा हर जंग तुम्हें भेज देता है, हसन और हुसैन को क्यों नहीं भेजता, तो जवाब यही था ना कि हसन और हुसैन तो रसूल के बेटे हैं, बाबा का बेटा तो मैं हूं, जिस तरह मेरा बाबा हमेशा रसूल की हिफाजत करता था उसी तरीके से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रसूल के बेटों की हिफाजत करूं, तो उसी चीज को आगे बढ़ाई। हुसैन रसूल के बेटे, हुसैन का भी एक बेटा करबला में होना चाहिए जो हुसैन को करबला के जिहाद में हुसैन का पार्टिसिपेशन देगा। अली का नायब अब्बास मौजूद है, फातिमा की नायब ज़ैनब कुबरा मौजूद है, तो हुसैन का नायब कौन? सज्जाद नहीं, सज्जाद तो वही इमामत होने के एतबार से रिसालत का नायब बने। जनाब शहरबानो, वाका हुसैन की दुल्हन बनी वो सज्जाद पैदा हुए जो करबला का पूरा जिहाद हुसैन ने किया, तो करबला को बचाने वाला जिहाद सज्जाद ने किया। मगर जनाब शहरबानो का इंतकाल चौथे इमाम की विलादत के फौरन बाद हो गया। अब हुसैन की दूसरी शादी के लिए तलाश शुरू हुई लड़की की। वे गलती की इसलाह करते हुए भी मैं रहा अपने टॉपिक के ऊपर, अब लड़की की तलाश शुरू। हमारे यहां मौला अली की बीवी की तलाश बहुत पढ़ी जाती है, हक भी है पढ़ी जाए, जनाब अकील उम्मुल बनीन सारा वाकया मैंने कल पढ़ा। अब उस अंदाज से दूसरी तलाश शुरू, अब हुसैन, अब अली नहीं, अब हुसैन। सज्जाद इमाम वक्त, सज्जाद को करबला में शहादत नहीं देना, सज्जाद को करबला के अंदर से कूफे और शाम में जाके करबला बचाना, करबला का एक शहीद चाहिए जो हुसैन को रिप्रेजेंट करे। और जैसा कि मैंने कल कहा कि अरब में हुस्न व जमाल के एतबार से बेहतरीन कबीला माना जाता था कबीला बनू सकीफ। हर कबीले में अच्छे और बुरे लोग होते, मुख्तार इसी कबीले के थे। अब तो माशाल्लाह आपने मुख्तारनामा देख लिया और पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई। समझदार मजमा एक जुमला कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह देता हूं कि ये जितनी सीरियल जब बनाई जाती हैं, जब ये सीरियल की शक्ल इख्तियार करती तो बहरहाल टेलीविजन के या फिल्म के या ड्रामे के कुछ रिक्वायरमेंट है, थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा बहुत ही, ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं, लेकिन माइनर चेंज हिस्ट्री में करना पड़ता। तो मुख्तारनामा देखें कि मासूमीन की जो सीरियल है कि असहाब कहफ की है जनाब यूसुफ की, उसमें कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो मिंबर पर आप दूसरे तरीके से सुनेंगे। तो हर समझदार आदमी जानता है, आप तो ऐसी मैं मिसाल देने जा रहा हूं जो मिंबर की तौहीन है, कि यहां पे जो भी बेस्ट सेलर नॉवेल होगा फिर उसकी फिल्म बनेगी हॉलीवुड, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ता। वो तो फिक्शन है, फैक्ट तो चेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ये इसलिए मैंने कहा कि बाद लोग ये सवाल मेरे पास लेके आते हैं, मौलाना आपने मुख्तारनामे में ये पढ़ा है, सीरियल में ये दिखाया गया। तो वापस आ जाइए कि मुख्तारनामा, जनाब मुख्तार इसी कबीले बनू सकीफ के थे और कायनात की तारीख के बदतरीन जालिमों में से भी एक इसी कबीले का है, हज्जाज इब्न यूसुफ। अलबत्ता दुश्मनान अहले बैत वो हैं कि हम कह तो देते हैं कि फला के बेटे हैं, फला कबीले से हैं, अक्सर का नामो नसब साबित नहीं है, तो वापस असल बात है, कबीला बनो सकीफ हुस्न जमाल के लिए बहुत मशहूर था। और अब बहुत एहतियात की मंजिल आई है, अबू सुफियान इस्लाम का कितना बड़ा दुश्मन, मैं तो अरब दुनिया में बहुत जाता रहता हूं, तो गैर शी अरब भी कहते हैं कि मौलाना, वगैरह वो लफ्ज मौलाना तो नहीं कहते, कि ये माविया और अबू सुफियान अगर इस्लाम में ना होते ना तो कितना अच्छा होता इस्लाम। हमारे यहां इंडिया पाकिस्तान में बहुत तासुब है, आप एक लफ्ज इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। माविया साहब तो खालुल मोमिनीन, मोमिनों के मामू कहलाते हैं, हमें अपने किसी मामू को नहीं पता, लेकिन खालुल मोमिनीन ये लकब है उनका। अब मौजू के अंदर रह के बात कर रहा हूं, इधर उधर नहीं जा रहा हूं। अबू सुफियान की दो बेटियां बड़े अच्छे घरों में, एक तो खैर रसूल खुदा की बीवी बनी उम्मे हबीबा, जिनकी असल कब्र मदीने में है, लेकिन सीरिया में भी इनकी कब्र की जियारत कराई जाती है, लेकिन एक्चुअल जो उम्मे हबीबा है वो मदीने में दफन है, ये अबू सुफियान की बेटी हैं।
मुआविया की बहन है ये रसूल है, और एक उनकी बेटी अबू सुफियान साहब की कबीला बनू सकीफ के सरदार के यहां गए, जिसके नतीजे में उम्मे लैला पैदा हो। तो उम्मे लैला के नाना बनते हैं अबू सुफियान और उम्मे लैला के मामू बनते हैं मुआविया, और उम्मे लैला का फर्स्ट कजिन बनता है यजीद, और रसूल खुदा भी उम्मे लैला के सगे खालू बनते हैं। अब ये उम्मे लैला जब जवान हुई, पूरा कबीला हुस्न जमाल में मशहूर, उम्मे लैला का हुस्न तो वाकान एक ज़र्बुल मिसल बन गया। आका हुसैन का रिश्ता गया, और जो कल उम्मुल बनीन जैसी कैफियत थी वैसी तारीख में नहीं है, लेकिन दिल कहता है वैसी ही कैफियत थी। और ये उम्मुल बनीन, ये उम्मे लैला कबीला बनू सकीम के सरदार की बेटी, यह रुख्सत होकर शहर मदीना आती। मौलाए मुत्तकियान की शहादत हो चुकी थी और पूरा खानदान अहले बैत कूफे से वापस मदीना शिफ्ट हो चुका। चौथे इमाम दादा के जमाने में पैदा हुए थे, खुद अली ने कान में अजान और इकामत दी, नाम नहीं रखा था, ना अपने बेटों के नाम अली ने रखे, ना बेटों के नाम रखे। आका हुसैन ने नाम रखा। कल नाम के हवाले से एक बात आई थी तो वही उसूल आगे बढ़ता। आका हुसैन के जितने बेटे हैं सबके नाम अली, जितनी बेटियां हैं सबके नाम फातिमा। फिर पहचान के लिए साथ में एक लकब लगता है, अली उल अकबर, अली उल अजगर, अली अब्दुल्लाह, अली ए औसत। और बेटियों में पहचान के लिए फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा, फातिमा सकीना, लेकिन सबके नाम अली और सबके नाम फातिमा। किसी ने पूछा था कि मौला कोई नामों की शॉर्टेज नहीं है, आपने एक बेटे का नाम अली रखा, अब नाम चेंज कर। कहा मेरे 100 बेटे होंगे तो 100 का नाम अली रखूंगा, 100 बेटियां होंगी 100 का नाम फातिमा रखूंगा। अली से बेहतर नाम बताओ कि मुझे नाम बदलने की जरूरत पड़े, फातिमा से बेहतर नाम बताओ कि मुझे अपनी बेटियों का नाम बदलने की जरूरत पड़े। ये हुसैन की अपने बाप और मां से अकीदत की वो इंतहा जो आज वेस्टर्न कंट्रीज के शिया बिल्कुल भूले जा रहे हैं। बाप और मां से ज्यादा फजूल ट्रैश कचरा टाइप की चीज घरों में कोई नहीं रही। जब तक वो जवान है उस वक्त तक बेनिफिट, जब वो बूढ़े होते हमें उनकी खिदमत करना। एक बाप एक मां 10 बच्चों को पाल लेते हैं, 10 बच्चे मिलकर एक बाप और मां को टाइम नहीं दे पाते। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहरहाल मैं अपने मौजू पर रहता हूं। पहला बेटा बाप की जिंदगी में, यानी हुसैन का पहला बेटा अपने बाबा अली इब्ने अबी तालिब की जिंदगी में पैदा हुआ। अजान इकामत यकीनन अली ने दी, नाम हुसैन ने रखा, बाबा मैं इसका नाम आपके नाम पे रखना चाहता हूं। जनाब शहरबानों का इंतकाल 10 दिन के अंदर हो गए, चौथे इमाम की विलादत। लेकिन 4 साल के बाद जब मौला अली की शहादत हो गई, ये खानदान पलट के मदीने आए। अब हुसैन की दूसरी शादी होती है कबीला बनू सकीफ के सरदार की बेटी उम्मे लैला से। खानदान बनी हाशिम खुद बहुत खूबसूरत खानदान, लेकिन उम्मे लैला तो इस खानदान में भी शहजादी कहलाती। और यहां आने के बाद अगले ही साल अल्लाह ने पहली बेटी दी, पहले बेटी पैदा हुई, जो हमारे यहां लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। और कुरान की आयत भी कि जब किसी को यह खबर मिलती है तुम्हारे यहां बेटी पैदा हुई, फज़ल्ला वज़्हु मुस्वद्दा, उसका चेहरा काला पड़ जाता। पहले बेटी पैदा हुई, उसका नाम फातिमा रखा, और यही तारीख में आगे चल के फातिमा कुबरा कहला, जिनकी शादी का बयान भी पहली स्पीच में आ चुका। और अगले साल फिर अल्लाह ने दूसरा बेटा अता किया। मौला हुसैन ने तो अपना उसूल बता दिया था, इसका नाम भी अली रखा गया। शुरू में ये अली अली अकबर नहीं कहला, क्योंकि उस वक्त तक जनाब जैनब की शादी को कई साल भी हो चुके थे, उनके औलाद कोई नहीं। जैनब का और हुसैन का घर मदीने में दीवार बराबर है, और वो पुराने जमाने की दीवारें जिसके अंदर ये दो घरों के बीच में एक ही कॉमन वॉल होती है, और जिसके अंदर रास्ता होता है बाहर जाने की जरूरत भी नहीं, घर से दूसरे घर में जाओ। जैनब ने कहा भैया मेरी कोई औलाद नहीं, बराबर में ही घर है, इसको मैं पाल लूं। अब मैं मुहावरतन भी कह रहा हूं और हकीकतन
हुसैन को जैनब से इतनी मोहब्बत है कि हुसैन जैनब जान मांगे तो भाई दे दे, खाली औलाद मांगी है हुसैन ने, यह अली जैनब को दे दे। वो अली जैनबी कहलाने लगे काफी अरसे तक। मदीने के लोग यही कहते थे जैनब वाला अली, पहचान के लिए कि वो पहला अली शहरबानों का, ये अली जैनब वाला। और फिर जब अली असगर की विलादत हुई तो अकबर और असगर बने। इसीलिए कहा जाता है कि अली अकबर की सारी जिंदगी जैनब के घर में गुजरी और मिलेला बहुत खुश है, उनको मालूम है कि जैनब किसका नाम है। यहां तक के हजरत अब्बास ने अली अकबर को अपनी खसूसी शागिर्दी में लिया और अली अकबर के हवाले से दो तीन जुमले हमारे यहां बहुत मशहूर हैं। पहला यह कि शबीह रसूल खुदा थे, यही वजह है कि आखिरी रुख्सत के वक्त भी खानदान की हर बीवी ने आकर अकबर के चेहरे की जियारत की। कोई करबला की शहादत, अली अकबर की शहादत का बयान वक्त नहीं, यानी वक्त तो होगा, मौका नहीं है कि यह विलादत का जश्न मनाया जा रहा, लेकिन कहा जाता है कि करबला के सारे मुजाहिदों अकबर वह वाहिद मुजाहिद था कि जिसकी रुख्सती के मौके पर और मैदान जाते वक्त ऐसे वाकयात पेश आए जो किसी और मुजाहिद के लिए नहीं आए। पहला यह कि सबसे ज्यादा टाइम खेमों में अकबर ने लगाया। हमीद इब्ने हुमैद इब्ने मुस्लिम जो रिपोर्टर है यजीद का, वो ये कहता इतनी देर हो गई, और खाली देर नहीं, पर्दा उठता है खेमे का और गिर जाता। एक एक बीवी अकबर की जियारत करना चाहती है, अकबर की भी जियारत हो जाए, रसूल खुदा की भी जियारत हो जाए। करबला का ये वो वाहिद मुजाहिद है जिसको भेजते वक्त हुसैन उमर साद के हक में बद्दुआ दी थी, आए खुदा उमर साद की नस्ल को कता करे जिस तरह वो मेरी नस्ल का खात्मा चाहता। यह वाहिद मुजाहिद है कि जब यह मक्तल जा रहा था हुसैन पैदल अकबर के घोड़े के पीछे पीछे चल रहे। लेकिन जिस तरह से जैनब ने अकबर को पाला करबला में, यह सबसे मुश्किल वक्त अली अकबर अब्बास के शागिर्द पर, अब्बास ने अकबर को तलवार चलाना सिखाई, अब्बास ने सारे के सारे मैदान जंग के फनून अकबर को सिखाए थे, और अकबर था भी ऐसा, एक तो 18 साल का जवान, फिर हाशमी शहजादा, फिर हुसैन और लैला के हुस्न का मजमुआ, और फिर शबीह रसूल खुदा। हम नहीं, आम मुसलमान नहीं, गैर अकबर का चेहरा देख के खून के आंसू रोते। मैं मसायब की मंजिल पे जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या कर, बयान में ये कितनी मशहूर रिवायत मख्तल में कि जब सैदानियों का लुटा काफिला हलब के जरिए से शाम में एंटर हुआ तो यजीद ने रास्ते के हर शहर के लिए अनाउंसमेंट किया था जब ये काफिला है सेलिब्रेशन मनाना, हमारी विक्ट्री। चुनाचे मुसलमान काफिर जितने लोग भी रहने वाले सब सेलिब्रेशन मनाते। हलब के अतराफ में ईसाई बहुत रहते, पूरे पूरे शहर ईसाइयों के। चुनाचे ऐसे ही शहर में दाखिल हुआ यह काफिला, पूरा 100% ईसाई शहर। उनको क्या गरज, कौन मारा गया और कौन जीता, हाकिम का हुक्म है घरों से निकल के मर्द आ गए, औरतें घर की छत पे बैठ के तमाशा देख रही। नोके नैजा पे अकबर का कटा सर नजर आया तो वो ईसाई औरतें कहती हैं अल्लाह करे जवान की मां मर चुकी, और लैला ने चौंक के सर उठाया कि तुम इसकी मां को बद्दुआ क्यों दे रही। क्या बद्दुआ नहीं दे रहे, हम सोच रहे हम गैर, हमारा कोई ना खूनी रिश्ता, ना कोई दीनी रिश्ता, ना कोई इलाकाई रिश्ता है हमसे, या 18 साल के जवान का कटा सर नहीं देखा जा रहा। इतना खूबसूरत, मां ने यह मंजर देखा होगा तो कैसे जिंदा रही होगी, और कौन जाके बताए उस ईसाई औरत को, और कौन बताए आज की बात मोमिना औरतों को। उम्मे लैला उसका नाम है कि जब अकबर का लाशा आया तो बीबियां तो मातम करने लगी, लैला शुक्र के सिजदे में इस तरह गिरी कि हजार मर्तबा सिजदे में कहा शुक्रन लिल्ला, जिसका कटा सर गैरों से ना देखा जाए मां उस पर शुक्राने का सिजदा करे कि दीन खुदा के लिए मेरी कमाई काम आए। वो ईसाई औरतों को तो ये समझ में ही नहीं आ सकता क्या चीज, आज बहुत सी मोमिना औरतों को भी समझ में नहीं आ सकता।
مومن مردوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. آر اسلام یعلو ولا یولا علیہ، پانچ تقاریر کا خلاصہ آقا حسین کا یہ فرمان. یاد رکھو اسلام سب سے بلند ہے، اسلام سے بلند کوئی نہیں. ہر چیز اسلام پہ قربان ہوگی، اسلام کسی پہ قربان نہیں ہوگی. ہم تو معمولی معمولی باتوں پہ کمپرومائز کر کے اسلام قربان کر دیتے. ہمارے یہاں شادی کی تقریب ہوتی ہے اسلام قربان ہو جاتا. بولے ایک ہی تو خوشی ملی ہے بچیوں کو. ہمارے یہاں ایک برتھ ڈے کا فنکشن ہوتا ہے اسلام قربان ہو جاتا. ہمیں جاب ملتا ہے یہ حلال ہے کہ حرام اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کمپرومائز. فلاں دوست اور ساتھی، یہ عجیب نیچر. چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نمازی ہے، نماز کا وقت آیا، کہتا ہے پانچ منٹ ٹھہرو نماز پڑھ کے آتا ہوں. اور ایک فلم دیکھنے کا آدمی ہے، کہتا ہے بہت اچھی فلم لگی ہے، چلو ہم سب مل کے دیکھتے ہیں. گناہگار تو گناہ میں سب کو لے کے جاتا ہے، نیکوکار اگر عبادت بھی کرتا ہے تو اتنا شرمایا شرمایا عبادت کرتا. کمپرومائز، دوست برا نہ مان لیا، رشتے دار تعلقات نہ ختم ہو جائے. بھائی وہ بولا یہ شخص، یہ تو یعنی یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی جرنلائز قسم کا اب ماحول بن گیا. ہم نے کہا بھائی آپ اپنی حد تک اتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ فلاں شادی میں گئے کیسے؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ہر آرام ہو رہا. بولا نا کیا کرے، بہن کی بیٹی کی شادی، ناراض ہو جائے گی بہن. آل اسلام و یاد، میں وہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بہت کامن ہو گیا کہ بہن ناراض ہوگی، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، میں آقا حسین کا جملہ کہہ. اسلام سب سے بلند ہے، ساری دوستیاں، ساری رشتہ داریاں، سارے کمپرومائز، سارے فائدے قربان ہوں گے اسلام پر. والا یعلا علیہ، اسلام کسی پہ قربان نہیں. جس اسلام پہ اکبر قربان ہو جائے، جسے دیکھ کے دشمن بھی ایک مرتبہ رو دے، کیا یہ اکبر کی ولادت سے شہادت تک کے 18 سال یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ پریکٹیکل لائف میں اکبر کی سیرت ہمیں کیا پیغام دے رہی. اور ایک جملہ آخری کہہ دوں، باتیں بہت ساری ہیں لیکن چونکہ ابھی ہم کو دوبارہ آنا، سب کو نہیں چند لوگوں کو، لیکن آنا تو ہے نا، تو اس لیے میں اپنی بات کو اختتام پہ لاتا ہوں. عبد الرزاق المقرب، عراق کے بہت بڑے خطیب، ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے مقتل الحسین، یعنی روایت تو بہت پرانی ہے لیکن چونکہ آج کل ذرا سا 21st century کا زمانہ ہے نا، کربلا کی ساری روایتوں پہ بھی بڑی ریسرچ کر رہے ہیں کچھ ہمارے ریسرچ اسکالرس، یہ غلط ہے، وہ ضعیف ہے، وہ جھوٹی ہے، وہ رونے کے لیے بنائی گئی، وہ بزرگوں کے غلط نظریات تھے. پوری دنیا میں اگر ان کو کوئی ڈسکشن کا ٹاپک یا ریسرچ کا ٹاپک ملا، باقی سارے مسئلے حل ہو گئے، میں کربلا ہی رہ گیا. تو اس لیے میں ان کتابوں کے ریفرنس بھی دیتا ہوں جو بہت ہی ریسرچ کے بعد 21st century میں لکھی گئی، ورنہ مجھے تو ضرورت نہیں، میں ہمیشہ پرانی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. اور وہ یہ کہ ساری زندگی زینب نے اکبر کو پالا ہے، اکبر مقتل میں جاتے ہوئے زینب سے کیسے اجازت ہے؟ جو محبت ہے زینب کو، پتا ہے اکبر کہ میرا چہرہ دیکھ دیکھ کے میری پھوپھی جیتی. بڑے عجیب طریقے سے ایک جملہ کہا اور اس ہستی کا نام آ گیا کہ یہ ساری ولادتوں کی مبارکباد تو ہم انہی کو دیں گے، لیکن وہاں تک جانے کے لیے بس یہ آخری دن. زینب کے خیمے میں آئے، کیسے بتائیں پھوپھی اما مجھے جانا. 18 سال کا جوان قربان کرنا آسان نہیں، سن لینا پھر بھی آسان ہے. گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا کہ آپ پھوپھی اما، آپ کو پتا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہر مسئلہ آپ سے پوچھا، آج مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا، بابا سے نہیں آپ سے پوچھا ہے، آپ بتائیں. دوسری تقریر میں جناب زینب کبرا کے علم کا تذکرہ ہو چکا ہے، وہ ہمیں عقیدے سے پتا ہے کہ حسین امام ہے، زینب امام نہیں، ورنہ علم ایسا ہے کہ علم امامت و نبوت کی سرحدوں میں داخل ہوتا. آپ سے پوچھا، آج بھی آپ سے پوچھنا. زینب نے کہا بیٹا اول تو یہ مسئلہ پوچھنے کا وقت نہیں، اور پھر جا کے بابا سے پوچھو گا کہ نہیں، یہی وقت ہے مسئلہ پوچھنے. اچھا بتاؤ کیا مسئلہ؟ کہا اتنا بتا دیجئے، آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ؟ اکبر کی دادی کا نام ہے فاطمہ. گھبرا گئی زینب، ماں کا نام سنا زینب پریشان ہو گئی، بے چین ہو کے زمین سے کھڑی ہو گئی. اکبر تو تو بڑا سمجھدار ہے، یہ کیا سوال کر رہی؟ کہاں شہزادی زینب، کہاں ان کی کنیز، میں ان کی کنیزوں کے برابر ہوں، تیری دادی کا رتبہ کوئی بتا نہیں سکتا.
तो कहा कि अगर दादी का रुतबा आपसे ज्यादा है तो एक काम करें, आज दादी के बेटे पर अपने बेटे को कुर्बान कर दें। ज़ैनब ने कहा अकबर किसी और तरह अगर मुझे पता चलता मेरा अकबर मक्तल जा रहा तो खुदा मालूम फूफी पे क्या ज़ैनब पे क्या गुजरती। कुर्बानी और शहादत अपनी जगह, लेकिन जो फितरत है जो जज्बात है वो तो अपनी जगह। कहा किसी और तरह पता चलता, लेकिन तूने इस तरह से अपनी दादी का तस्किरा कर दिया कि अब ज़ैनब खुशी के साथ कहती है जा मैंने अपनी मां फातिमा ज़हरा के लाल पे अपने लाल को कुर्बान कर दिया। ये सारी कुर्बानियां पलटती हैं फातिमा ज़हरा की जानिब, तो ये सारी खुशियां भी पलटती हैं फातिमा ज़हरा की जानिब। मासूम में पांच रोजा जश्न के सिलसिले की आज आखिरी तकरीर मुकम्मल। मगर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मिशन के एतबार से देखें तो दरमियान में हुसैन है, जितनी भी ये विलादतों की खुशियां आई हुसैन के मिशन के लिए, और शख्सियत के एतबार से देखें तो दरमियान में फातिमा। आका हुसैन की विलादत का जश्न मनाया, मुबारकबाद शहजादी को दे। सानिय ज़हरा ज़ैनब कुबरा की विलादत का जश्न मनाया, मुबारकबाद सानिय फातिमा को दे। अब्बास की विलादत का जश्न मनाया, ये तो कल का मौजू बन गया, मुबारकबाद उम्मुल बनीन को कम देंगे फातिमा को ज्यादा देंगे। और अकबर और कासिम पहली तकरीर फातिमा की, बड़े बेटे के छोटे बेटे कासिम के लिए थी, आखिरी तकरीर फातिमा के छोटे बेटे के बड़े बेटे अकबर के लिए। कासिम 13 साल के थे और अकबर 18 साल, ये दो पोतों, इन सब की खुशी भी फातिमा को देंगे। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक फातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर المستودع فيها। ऐ खुदा तुझे वास्ता फातिमा ज़हरा का, जिन्हें तूने हदीस किसा में मरकज तारुफ बनाया, तुझे फातिमा तुझे वास्ता फातिमा के बाबा रसूल खुदा का, तुझे वास्ता फातिमा के शौहर अली मुर्तजा का, तुझे वास्ता फातिमा की मासूम पाक और पाकीजा औलाद का। जो साहिबान ईमान आज की इस महफिल में बैठे हैं, खुदावंद इनको दुनिया और आखिरत की हर आफत हर मुसीबत हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदावंदा इन्हें दुनिया और आखिरत की सारी राहतें और सारी खुशियां नसीब फरमा। अलबत्ता गमे हुसैन मरते दम तक, कब्र में भी, कयामत में भी, बल्कि जन्नत में भी हमको अता फरमा। खुदावंदा दुनिया भर के साहिबान ईमान में जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, खासतौर पर आज की तकरीब में जो लोग हैं इनके मरहूमिन बानी है महफिल के खानदान के मरहूमिन, और इस दीवार पर जो नाम मरहूमिन के हैं, खुदावंदा इन सबको आले इल्लीन में ये खुशियां खुद फातिमा ज़हरा और औलादे फातिमा के साथ मनाने की तौफीक अता फरमा। तमाम साहिबान ईमान को रोजी के हर मसले से महफूज फरमा। तमाम साहिबान ईमान मोमिनीन और मोमिनात को औलाद की हर परेशानी से महफूज फरमा। हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा। परवरदिगारा जुल्म बढ़ता जा रहा है, शहादतों का सिलसिला तवील होता चला जा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी कराची हो के कोयटा हो के डेरा इस्माइल खान हो के पारा चिनार हो के बल्तिस्तान हो के गिलगित हो बहरैन सीरिया इराक, और खास तौर पे इस वक्त जो 15 शाबान के काफिले जा रहे हैं और उन पे हमले हो रहे हैं, और सऊदी अरब खास तौर पर ये, और बाकी दुनिया में जहां जहां मजलूम शिया ने हैदर कर रहा है उन पर जुल्म करने वालों को बेहक अब्बास बेहक अकबर बेहक फातिमा नीस्तो नाबूद फरमा। खुदावंदा दुनिया भर में हमारे तमाम उलमा खुसूसन मर्जे वक्त आयतुल्लाह सीस्तानी और रहबरे मुस्लिमीन आयतुल्लाह खामिनाई के साए को हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा। इंकलाब इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हम सबको सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमा। खुदावंदा हमसे कोई ऐसा गुनाह ना होने पाए जो मासूमीन को या वक्त के इमाम को हमसे नाखुश हो नाराहत कर दे, और अगर फिर भी गुनाह हो जाए तो जब फातिमा और फातिमा की औलाद का वास्ता हमारे उन गुनाहों को माफ फरमा, और इन तमाम मजालिम के इंतकाम और इन खुशियों को मुकम्मल करने के लिए, मजा तो उसी वक्त आता है ना जब वारिस सामने हो, और हमारी खुशियों को मुकम्मल करने के लिए फातिमा के वारिस फातिमा के बेटे अपनी आखिरी हुज्जत इमाम जमाना के जुहूर में ताजील फरमाए।